ब्लैक कॉफ़ी सवेरे सवेरे पी रहा हूँ। और अभी भैया का भी कॉल आ गया है अर्जेंट। भैया बोल रहे हैं कि वो मिश्रा जी वाला साइड जो है, मतलब खमाड़ी वाला जो साइड है, वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ कल जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जिनसे बात किया था हम, वो आ गया था अपना लेबर लेके। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मकान मालिक का कहना है कि वाटर हार्वेस्टिंग जिस एरिया पर अपन करवाना चाह रहे हैं उस एरिया का जो बिल्डिंग है उसको तो उन लोग तोड़ देंगे थोड़े कुछ दिन के बाद में, क्योंकि पीछे में जो इनका जो रेस्टोरेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट को जो है पक्का करेंगे। तो उधर पे पक्का जब करेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग फिर से करवाने की जरूरत पड़ जाएगा, क्योंकि उस बिल्डिंग के नीचे में आए। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग किस एरिया में करें, तो उसके लिए क्या थोड़ा जगह देखना है। कॉफ़ी पी रहा था उतने टाइम पे भैया का कॉल आ गया, जॉर्ज कितने देर में तू पहुँचेगा साइट में और जल्दी से बता, क्योंकि वहाँ पे नाप लेना जरूरी। अभी मैं साइट जल्दी से पहुँच गया हूँ भाई, अब यहाँ पे नाप झोंक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना भैया को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भैया कहाँ पे कितना दूर है क्या है करके। इधर पे बोला था भैया, ठीक है, लेकिन क्या है ये टूटने वाला उस दिन के बाद में, तो ये टूटेगा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ बनाने का, और बिल्डिंग बनेगा उधर पे, ठीक है। अब उसके हिसाब से वाटर हार्वेस्टिंग करना है, और ये वाला जो पाइप है इसका तो उधर ले जाना है, दोनों में से कोई एक जगह पे। फिट तो उधर से है भैया, इधर से 14 फीट भी नाप ले लो, ठीक है, और दोनों को जहाँ मिल रहे हैं उसको सेंटर मान लो, फिर वो रिंग का सेंटर ये होना, तब आधा इधर आधा उधर आधा इस तरफ में, ये बीच में 14 फीट में आप वो करो कुछ डालो। हाँ ठीक है, अब वहाँ से 6 फीट का वो लिख लो, एकदम दोनों तरफ से सेंटर लो। हाँ बस ये ठीक है भैया, उसको सेंटर मान के आप वो रिंग का साइज के हिसाब से उसको खोद देना भाई। रोड लेवल निकाल रहा है यहाँ से, कितना इंची फर्क है, नीचे है ठीक है। हाँ वही आ रहे 3 फीट का जो लेवल है ना वो पूरा आखिरी तक ले जाओ, ठीक है, और आखिरी में ले जाके उनके पास पहुंचने के बाद ना वहाँ से 1.5 फीट कम करके बता दो भाई ये हाइट, वहाँ पे ईटा रख के दे देना तो हाइट समझ आ जाएगा। तो भाई अपन रोड लेवल जो निकालते हैं ना वो ऐसा है कि अपना रोड का जो हाइट है ना वहाँ से 3 फीट का हाइट अपन एक बार नाप ले लेते हैं रोड पे खड़े होके, ठीक है, वहाँ से फिर वाटर लेवल से फिर अपन जो 3 फीट जो है ना वो लेवल इधर चेक करते हैं, इधर पे कहाँ पे आएगा, इधर ले लो हीरू भैया, वहाँ पे हमने जो उस वो रॉड पे जो मार्किंग किया 3 फीट टेप से, उस टेप पे पानी का लेवल रखेंगे, वहाँ से फिर इधर मिलाएंगे पानी का लेवल को, दिखा रहा हूँ क्या पानी किए तो पानी भाग रहा है। अच्छा लूटा, देखो ये पानी देख रहा है ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे, अभी है हो गया, इधर लोग उसको मिलाएंगे ठीक है। ये देखो ये है, तो भाई वहाँ का रोड में जो 3 फीट मार्किंग किया है वो यहाँ पे ये है। चल आजा आजा आजा, ठीक है, अब आपको यहाँ पे लगेगा यार यार ये तो बहुत नीचे है करके, लेकिन नहीं, ये रोड से ये जो लेवल है 3 फीट का लेवल मिला रहा है, और बीच में जो गड्ढे टाइप का आपको जो दिख रहा है ना ये डाउन है, तो इसके वजह से 3 फीट यहाँ पे आ रहा है। छड़ा साफ करने वाले आए हैं तो इतना मगजमारी चल रहा है। अरे आप लोग जो ये जमा है इसके चक्कर में तो मैं अपना गाड़ी नहीं रख पा रहा था। ठीक है हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ना। अरे मैं उधर रखता था लेकिन वहाँ पे मैंने बोल के गया लड़के लोग को कि भाई कचरा वहाँ मत डालना करके, तो उन्होंने डाल के रख दिया, फिर कहाँ रखता मैं भी। बढ़िया बढ़िया, वो भी ठीक है। नहीं नहीं अभी नहीं, पलंग हो गया, सोफा हो गया है ना, अलमारी भी आ रहा, तो वही 11 से 12 के बीच में अपन चालू करेंगे काम, तो कल अपन चालू करेंगे 11-12 बजे के आसपास में, ठीक है, उनको भी लेके आना ठीक ठीक अपने गाड़ी में, ठीक है, वापस जाते टाइम आपके साथ लेके चले भी जाना है ना, ठीक है ठीक। तो भाई कल के लिए अपन ऑटो वाले भैया भाई से जो है ना बात कर लिया, वो जो अपना प्रिया के घर में जब शिफ्टिंग हो रहा था, मतलब संदीप भाई के लोग का घर का शिफ्टिंग जब हुआ था, तब जिस बंदे को बुलाए थे आशीष को, वही बंदा आ रहा है अपना काम करने के लिए भी, तो कल ये एक्वेरियम भी शिफ्ट हो जाएगा,
ये सारे सामान जो है ना, ये पलंग अलमारी सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएगा उस घर में, तो वहाँ ले जाके अपन ये सारी चीज़ों को रखेंगे। और दूसरा अपना ये जो वाईफाई है और जो टाटा स्काई, उसके लिए मैं वाईफाई के लिए तो मैंने कॉल लॉक कर दिया हूँ, बंदा बोला है कि मंडे को आके करूँगा घर के, लेकिन जो अपना ये है अपना टाटा स्काई उसका कॉल लॉक करना बाकी है, तो उसको अभी मैं कॉल करूँगा और उसको बोलूँगा कि भाई उसको मेरे को शिफ्ट करके दो करके, तो आज हो सका तो आज करवाऊँगा, नहीं तो कल करवा लूँगा इसके लिए। और भाई कल जो रात का जो खाना था अपना दाल रोटी और चिकन करी, वो अभी बचा हुआ था तो प्रिया पूरा नहीं खाई थी अच्छे से, तो प्रिया एक ही पीस खाई थी, तो मेरे को बोली कि जो जी बचा कर रख लो अगर ठीक रहेगा तो खा लेंगे करके, तो अभी मैं देख रहा हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा खट्टापन है लेकिन चलेगा, तो मैं बोला चलो इसको खा के ख़त्म करता हूँ, वेस्ट थोड़ी ना कर सकता भैया, महंगा चीज़ है यार, 500 रुपये को तो सारा चिकन करी आया है इनका। यह कड़क हो गया दूसरा कपड़ा भी है, टेबल में डालने का दूसरा कपड़ा है वो हरा वाला है, तो भाई अभी जो है ना अपना जो पूजा वाला जो रूम है उसमें से पूजा का जो जितना भी चीजें हैं, पूजा का टेबल हो गया, उसके अलावा जो मूर्तियां हैं, ये सब चीजें जो है ना अपन लेके जा रहे हैं नए वाले घर में, वहाँ छोड़ेंगे अभी वहाँ पे, और उसके बाद जो है अपन बाद में उधर बाद में जमाएंगे उसको और पूजा वगैरह चालू करेंगे उसके बाद, लेकिन अभी जो है ना इन सब चीज़ों को ले जाके उधर रखना पड़ेगा क्योंकि कल के डेट पे हौच पौच हो जाएगा सारे चीज़ों के लिए, तो अभी उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे छोड़ के आते हैं। मार खाना है इसको भी, तेरे को जबरदस्ती बच्चे लोग के ऊपर क्यों भोंक रहा है, डब्बा खराब है, डब्बा खराब है। भाई इतना अभी ये सब चीज़ें कल भी लेके जा सकते हैं अपन, लेकिन भाई ये आज ही लेके इसलिए जा रहा हूँ ताकि कल के लिए थोड़ा लोड जो है ना कम रहेगा, देखता हूँ, हाँ आ जाएगा फिर, दिक्कत नहीं है। फाइनल ऐसे डिसाइड कर रहे हैं अपन, पूजा सोफ़ा, फिर अपना एक सोफ़ा और इधर, फिर एक्वेरियम, फिर उसके बाद एक सोफ़ा इधर, ऐसा करेंगे। मैं लेटा हुआ हूँ और प्रिया अपना डब्बा लेने के लिए, उसको कुछ टेडी बियर वगैरह ले जाना है, उसके हिसाब से डब्बा लेने आई है अपने घर में, और ये डब्बा निकाल रही है वहाँ अपना, और मैं भाई आराम से अभी सोऊंगा थोड़ा सा जब तक ये डब्बा निकालेगी, 10-15 मिनट भैया अपना ये छोटा सा नैप ही ले लूँगा। मेरा चीकू सो रहा था, मेरा चीकू सो रहा था, ए मेरे चीकू लो बैठो, आजा। अरे वो निन्नी में अभी वो नहीं आएगा है ना चीकू बच्चू, ओए क्या बात है चीकू, चीकू सो रहा था, चीकू सो रहा था, चीकू सो रहा था, चल खेलेंगे, उसका कान तेरा तो नहीं हो रहा ना, हमारा चीकू का कान छिदवा दिया भाई, हमारा चीकू का कान छिदवाया, दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये देखो चीकू, दिखा कान, दिखा दिखा दिखा, ये देखो चीकू का कान छिदवाया, देख रहे देख रहे चीकू के कान छिदवा दिए है ना, अब चीकू भी एकदम बाली वगैरह पहने का मालूम है यहाँ पे कान में, फाइनली चीकू का कान भी छिदवा गया, बस मेरा ही है कान नहीं छिदवाया, देखो अरे बाप रे, इसको पकड़ना बाहर चला जाएगा, चीकू को पकड़ प्रिया, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे तो मैं डब्बा रखने जाऊंगा या खेलूंगा चीकू के, कैसे रखेगी उसमें अरेंज करना है, मैं रख रहा हूँ, अरे नहीं किया बाबू उसने पोटी, प्रिया टेंशन में है कि पोटी कर दे, प्रिया टेंशन में है चीकू कहीं पोटी तो नहीं कर दिया बोल के, बढ़िया है भाई मस्त है यार, चीकू से डरती है मालूम है, चीकू पोटी कर दिया बोल के ना चीकू को नीचे उतार दी, अरे बाप रे
प्रिया को ना चिड़ मस्त है मालूम, ये पोटी वोटी कर देते ना उससे चिड़ मस्त। चल भैया अपन डब्बे भरते इसके अंदर में जल्दी से और निकलते यार यहाँ से। तो भाई अभी रात के 10:30 बज रहे और पैकिंग चल रहा है कल के लिए। देखो प्रिया की, ये हम लोग जब HDFC में काम करते थे ना तब का मिला हुआ बैग है। HDFC का जो फाइल्स वगैरह रहता था ना वो इसी में जाता था। ये फाइल जा रहा है प्रिया का। अरे ये भी तो यूज किया करो यार, ये सबसे महंगा इसलिए भी तो बाप रे। तो क्या वैसे कंजूस हो गया? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। वैसे भी मेरा पति बहुत कंजूस हो गया भाई, दिलवाता नहीं है मेरे को चीज। बाप रे, देख रहे भाई कंजूस हो गया हूँ। बोलते 1600-1700 रुपए का नाइट सूट, ठीक है, नाइट सूट को पहनती नहीं है और फिर उसके बाद बोलते है की दिलवा, और चार ठोकना 500-600-700 रुपए का जो है ना 4-5 ले चुकी है और उसको रगड़ के खराब कर दिया और बोलते है मैं कंजूस हूँ जो दिलवाता नहीं। तो देखो भाई ये सब अच्छे अच्छे चीजें हैं, कपड़े हैं, यूज नहीं कर रही है। रहने दो ना, अभी बहुत बदल चुका है मेरा पति। ओहो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो। पहले का था दिलाया। हम कभी ना पहले का दिलाया था, वो भी वो वादा किया था खुद से नहीं, ना पहले कभी हम कंजूस थे ना आज है हम कंजूस। बैग पैक हो गया प्रिया का, देख रहे हो प्रिया ने एक बैग पैक कर लिया। अब मेरा बेस्ट बैग पैक करना बाकी है भाई, वो भी अभी करेंगे प्रिया, है ना प्रिया? तो भाई कौन करेगा बता, है ना? मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अच्छा। अभी प्रिया पैकिंग करेगी मेरा वाला। उसको लेक्चर मारो ना प्रिया, जल्दी से पैक करना, ठीक है? हाँ जल्दी करो, अभी पैक कर दो, अभी पैक करेगी। ऐसा वाला एक और बैग है उसमें मेरा वाला पैक हो जाएगा। नहीं 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 उसमें कर दे। क्या ठंडी है भाई, एकदम भयंकर ठंडी है यार, और नींद तो क्या ज़ोरदार आ रहा है भाई, इतना ज़ोरदार नींद आ रहा है ना, सोने को नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है कमरे में, कभी मम्मी कभी प्रिया कुछ कर रही है। और ये देखो इन लोग दोनों को अभी लेके जाना था तो पता चला कि क्या बोलते हैं स्कूबी को ले, मतलब बस स्कूबी को बस लेके जाना है, मम्मी ने जिम्मी को लेके चले गई करके, तो इसलिए अब स्कूबी को बस ले जा रहा हूँ। मम्मी ने जिम्मी को लेके घूम के आ गई है इसलिए स्कूबी को बस ले जाना है, इसलिए मैं स्कूबी को लेके निकला हूँ। भाई दोनों को लेके जाना होता ना तो अभी सच बता रहा हूँ थकान थकान लग रहा है, नींद बहुत ज़ोरदार आ रहा है। सोच रहा हूँ 1-2 घंटा सोऊंगा रात के अभी और उसके बाद उठूँगा, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर उसके बाद वापस हो जाऊँगा भाई। सवेरे चर्च भी जाना है बल्ला। अब मेरे को बता रहे हो? देखो भाई रात के 12:30 बज रहा है टाइमिंग, और ये महान इंसान सो नहीं रही है, मैं टेडी बियर पैक कर रही हूँ। इसके पास कितने सारे टेडी बियर, देखो देखो, और उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए अलग से झोला तो रखी हुई है उसी के अंदर में। देखो पैकिंग ही चल रहा भाई कल के लिए, क्या करें। मेरे कपड़े पैक नहीं हुआ ना प्रिया, देख रहे भाई मेरे कपड़े पैक नहीं हुआ है। अरे भैया मैं थक गया हूँ, रात के 2:00 भाई। प्रिया देखो पूरा चीज़ें जमा रही है, अभी तक प्रिया का सोने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ, जमाने पर लगी हुई है।